Hello everyone, welcome to Dynamic Study. This is our class number 7th and our today's topic is contributions of James Watt, Matthew Boulton and Max Weber ka contributions are management concept or classical theory of management mein, to wo hum yahan pe discuss karenge. So discuss karne se pehle iski jo 6 classes hai wo pehle ho chuki hai jisme ki management ka concept hai plus stages of management थ्योरी प्लस आपके एक दो क्लासेस और हैं तो वो इम्पोर्टेंट है ताकि आपको जो जेम्स वॉट का कंट्रीब्यूशन है वो किस में है या क्या है तो वो आपको समझना पड़ेगा. तो उससे पहले आप प्रीवियस वीडियोस प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा. एंड एक लर्नर ने मुझसे पूछा था कि मैम आप बोला था कि मैम आप जो है एमसीक्यूज़ हमें करा दीजिए. तो डेफिनेटली एमसीक्यूज़ होंगे, क्विजेज होंगी आपकी यहाँ पे. सो डोंट वरी, क्योंकि हम जैसे भी जो हमारे एंटीनेट हमारे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है जो भी क्वेश्चंस, तो वैसे ही क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी. डेफिनेटली अच्छा लेवल रहेगा क्वेश्चंस का, तो डोंट वरी. लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बोलूँगी कि आपको जो थ्योरीज़ हैं, सॉरी जो भी कंटेंट है आपका, आपको उसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए ताकि आपको ये पता रहे कि क्वेश्चंस कहाँ से फ्रेम होते हैं. क्योंकि अगर आपने कंटेंट आपके दिमाग में है, अगर आपका कंसेप्ट आपको पता है, कंसेप्ट क्या है हमारा मैनेजमेंट का, तो आप जो इजीली हमारे क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे. तो डोंट वरी, हम यहाँ पे कराएंगे. जैसे कि टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पे अगर फिर आज जैसे यूनिट कंप्लीट हो जाती है तो मेगा क्विज करेंगे हम. तो डोंट वरी, हम जो है धीरे धीरे सब करते जाएंगे. ठीक है, सो अभी स्टार्ट करते हैं जेम्स वॉट जेयर एंड मैथ्यू बोल्टन की थ्योरीज. तो हमने लास्ट जो क्लास में स्टडी करा था चार्ल्स बेबेज की थ्योरी. ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज ने बोला था साइंस एंड मैथमेटिक्स को यूज़ करा था उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को इम्प्रूव करने के लिए. और उन्होंने बोला था कि जो डिविज़न ऑफ वर्क होना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स. राइट, अभी हम जेम्स वॉट एंड मैथ्यू बोल्टन का कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ लेते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट में. उनका जो थ्योरी का टाइम पीरियड है दैट इज 1796 to 1848. राइट, सो जो उन्होंने क्या करा था उनके थोड़ा पढ़ लेते हैं उनके बारे में कि जेम्स वॉट और मैथ्यू बोल्टन कौन थे. वो सन्स थे इन्वेंटर ऑफ स्टीम इंजन, जिन्होंने स्टीम इंजन को इन्वेंट करा है उनके वो सन्स हैं. ठीक है, तो और जो उन्होंने क्या करा है, उन्होंने डेवलप करी है बहुत सारी मैनेजमेंट की टेक्निक्स. कुछ मैनेजमेंट की टेक्निक्स यहाँ पे दी गई हैं तो हम उनको स्टडी कर लेते हैं कि मैनेजमेंट की टेक्निक्स कौन कौन से उन्होंने डेवलप करी है. सो फर्स्ट वन इज़ मार्केट रिसर्च एंड फोरकास्टिंग. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले, अगर कोई प्रोडक्शन करने से पहले, सबसे पहले आप क्या चेकआउट करेंगे कि मार्केट में रिसर्च करेंगे सबसे पहले कि डिमांड कितनी है. ठीक है, और पहले से कोई प्रोडक्ट है उसके जैसा है या क्या प्राइस चल रहा है, तो सबसे पहले आप मार्केट को रिसर्च करते हैं एंड फोरकास्टिंग करते हैं. नेक्स्ट आप आते हैं प्लान मशीन लेआउट फॉर बेटर फ्लो ऑफ वर्क. और फिर आपको जो है जो प्रोडक्ट बनाना है तो वो आप कैसे बनाएंगे, मशीन से बनाएंगे, तो उसके बारे में आपको सब कुछ प्लान करना होता है ताकि जो आपका वर्क है वो अच्छे से फ्लो करे. नेक्स्ट इज़ प्रोडक्शन प्लानिंग. फिर आप क्या करते हैं, प्रोडक्शन की प्लानिंग करते हैं. मशीन्स आ गई हैं, फिर रॉ मटेरियल आप देखते हैं कहाँ से लेना है, उसमें कितनी कॉस्ट आएगी, कितना आपका जो है प्रॉफिट होने वाला है, तो ये सब आप प्रोडक्शन प्लानिंग करते हो. ठीक है, कि जो है जो आपके प्रोडक्ट का नेम क्या होगा, ब्रांड जिसको आप बोल सकते हो, आपका जो है साइज़, कलर, ये सब आप उसमें देखेंगे. फिर आते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. इसमें भी यही सेम चीज़ आती है कि आप उसका स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं प्रोडक्ट्स का. नेक्स्ट इज़ मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट. फिर आप उसमें क्या करते हैं, मेथड्स की आप कॉस्ट के जितने मेथड्स हैं उनमें से कौन सा मेथड्स आप यूज़ करने वाले हैं, एंड प्रॉफिट के लिए आप जो है कॉस्ट क्या है आपकी और आप प्रॉफिट मार्जिन कितना रख रहे हैं अपने प्रोडक्ट पे, ये सारा यहाँ पे आप देखेंगे. नेक्स्ट इज़ स्कीम फॉर डेवलपिंग एग्जीक्यूटिव्स. स्कीम्स डेवलपिंग एग्जीक्यूटिव्स, फिर उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए आप कुछ जो है स्कीम्स लेके आएंगे. तो ये सारा इन्होंने बोला था जेम्स वॉट एंड मैथ्यू बोल्टन की ये टेक्निक्स थी, जो भी कुछ मैनेजमेंट की टेक्निक्स थी. तो ये हमने स्टडी करी है कि सबसे पहले आपको क्या करना है,
और जैसे सबसे पहले आपको क्या करना था, मार्केट में रिसर्च करनी थी, फिर आप प्लान करते हो मशीन्स के लेआउट को, देन आप प्रोडक्शन प्लानिंग करते हो। जैसे जैसे बिजनेस में होता है ना, आप खुद भी सोच सकते हो, सबसे पहले क्या करोगे आप, रिसर्च ही करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, मशीन्स का लेआउट चेकआउट करोगे, फिर प्रोडक्शन की प्लानिंग करते हो, और लास्ट में क्या करते हैं, स्कीम्स फॉर डेवलपिंग एग्जीक्यूटिव्स। फिर आप उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए कुछ स्कीम्स बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, ठीक है। ये सारा आपका यहाँ पे लास्ट में आ जाता है। तो ये जो टेक्निक्स थी वो डेवलप की थी जेम्स वॉट एंड बोल्टन ने इस सरप्राइज टू स्कॉलर्स। तो ये एक सरप्राइज था स्कॉलर्स के लिए, तो इन्होंने कुछ टेक्निक्स जो है डेवलप करी थी, तो ये आपको लर्न करनी है, याद रखनी है। नेक्स्ट इज ये नेक्स्ट थ्योरी है आपकी मैक्स वेबर, जो कि टाइम पीरियड था 1864 से 1920 का, ठीक है। इसको जो बोला जाता है ब्यूरोक्रेटिक मॉडल बोला जाता है। तो इसके बारे में ये थोड़ा काफ़ी लेंथी आपका जो मैक्स वेबर की थ्योरी है, तो इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसमें से क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकता है। तो मैक्स वेबर जो है एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट है, वो इज अ टीचर एट बर्लिन यूनिवर्सिटी, ठीक है। मैक्स वेबर क्या थे, एक टीचर थे बर्लिन यूनिवर्सिटी में, ही वो इज़ द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। तो सबसे जो है चीफ एक्सपोनेंट कौन थे ब्यूरोक्रेटिक मॉडल के, मैक्स वेबर ही थे। मैक्स वेबर ये उनका नेम है जिन्होंने थ्योरी को प्रोपाउंड करा है, डेवलप करा है। अकॉर्डिंग टू वेबर, वेबर के क्या थॉट्स थे, द रिकॉग्निशन एंड एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी इज द फंडामेंटल क्वेश्चंस। कि सबसे पहले हमें कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले सबको क्या होना चाहिए, रिकॉग्नाइजेशन एंड एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी। किसकी क्या अथॉरिटी है, किसका क्या वर्क है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सबको पता होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए आपको क्या काम करना है, आप किसके अंडर काम करेंगे, आपको किसको अपना वर्क कंप्लीट करके देना है, आप किसके जो है रिस्पॉन्सिबल रहेंगे किस वर्क के लिए। तो ये सारा मैक्स वेबर ने अपनी थ्योरी में डिस्कस करा था। तो कुछ इसमें फॉलोइंग कुछ पॉइंट्स हैं, तो ये हमें ध्यान रखने हैं। ये बोलते हैं कि देर इज़ ए क्लियर सेपरेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स। अभी मैंने बताया कि जितने भी वहाँ पे वर्कर्स है, कोई भी पर्सन अगर वहाँ पे काम कर रहा है, तो उसे पता होना चाहिए कौन उसका सुपीरियर है एंड उसके अंडर कौन कौन उसका सबॉर्डिनेट है, ठीक है। डेफिनेटली ऐसा होता है ना कि आप जैसे टॉप मैनेजमेंट है वो तो हो गए सुपीरियर, बट उनके नीचे क्या हो जाएंगे, जैसे मिडिल मैनेजमेंट काम कर रहा है, फिर मिडिल मैनेजमेंट क्या हो गया, टॉप मैनेजमेंट का सबॉर्डिनेट हो गया, और उनका सुपीरियर कौन हो गया, टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। फिर मिडिल मैनेजमेंट के अंडर भी कोई काम कर रहा होगा, तो वो क्या हो गए, अब मिडिल मैनेजमेंट तो क्या हो गया, सुपीरियर हो गया, अब उनके जो अंडर काम कर रहे हैं वो क्या हो गए, उनके सबॉर्डिनेट हो गए, ठीक है। तो क्लियर सेपरेशन होना चाहिए सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट के बीच में। देर इज़ अ डिवीज़न ऑफ लेबर, लेबर जो उनका काम है वो कॉम्पिटेंस एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे भी ये बोला गया है कि डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब है कि उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग उनको काम देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसको कोई मतलब आप उनको बिना उनके स्किल्स के काम दे रहे हो, तो वो इंटरेस्ट बिना इंटरेस्ट के काम करेंगे, और जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो अपना जो है बेस्ट नहीं दे पाते हैं। नेक्स्ट इज क्लियर डाइवोर्स बिटवीन पर्सनल ऑफिशियल मैटर। ये हम अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में भी हम जो है इसको फॉलो करना चाहिए हमें, और हम करते भी हैं, कि हमें अपनी पर्सनल लाइफ को और ऑफिशियल मैटर्स को कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही सेम उन्होंने अपने जो है मॉडल में बोला है कि ऐसा नहीं होना चाहिए वर्कर्स का, कि अगर घर पर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो ऑफिशियल वर्क में उसका अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऑफिशियल एंड पर्सनल मैटर्स दोनों डिफरेंट होने चाहिए उनके, बीच में ना आए वो उनके। देर इज़ अ सिस्टम ऑफ रूल्स रेगुलेशन एंड प्रोसीजर्स। डेफिनेटली कुछ अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो, ऑफिशियली काम कर रहे हो, तो वहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन का भी एक प्रोसीजर होता है कि फर्स्ट पहले ए के पास बात जाएगी, फिर बी के पास, देन सी डी, इस तरह से एक चेन होती है जो आपका प्रोसीजर होता है कम्युनिकेशन का, और हर एक चीज़ का प्रोसीजर होता है। पॉलिसी फ्रेम कौन करता है, टॉप मैनेजमेंट, उसको अप्लाई कौन करता है, लोअर मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट, ठीक है। तो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। देर इज़ ए हायरार्की इन पोजीशन बेस्ड ऑन लीगल अथॉरिटी एंड पावर, और एक हायरार्की होती है अथॉरिटी एंड पावर्स की। लाइक ये देख सकते हैं आप, वेबर्स का ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है, लाइक टॉप मैनेजमेंट है, ठीक है। जो टॉप मैनेजमेंट है वो क्या है, सुपीरियर है,
सबसे सुपीरियर कौन है? टॉप मैनेजमेंट है। फिर टॉप मैनेजमेंट के अंडर कौन कौन आते हैं? ये मिडिल मैनेजमेंट। दोनों का लेवल तो सेम है, बट यहाँ पे क्या है, ये इनका सुपीरियर है और इनके सबॉर्डिनेट कौन है, इनके अंडर कौन काम कर रहे हैं? मिडिल मैनेजमेंट। ठीक है, अब मिडिल मैनेजमेंट के अंडर भी कोई काम करेगा तो वो कौन होंगे? मिडिल मैनेजमेंट के अंडर काम कर रहे हैं सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। ठीक है, ये दोनों सेम लेवल पे है, यहाँ पे ये दोनों का सेम लेवल है। तो अब इस केस में कौन हो गया? मिडिल मैनेजमेंट तो क्या हो गया? सुपीरियर हो गया। और ये क्या हो गए? सबॉर्डिनेट हो गए। तो अब ये जो काम है वो किसको अपना जो है उन वो किसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे? वो रहेंगे मिडिल मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल। और मिडिल मैनेजमेंट किसको जो है रिस्पॉन्सिबल रहेगा? वो टॉप मैनेजमेंट के लिए रहेगा। ठीक है, तो इनका जो अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इन्हें पता होती है कि किसको कौन इनको काम, अगर उनको काम भी प्रोवाइड करना है। ठीक है, लाइक अब टॉप मैनेजमेंट किनको काम देगा? वो इन दोनों को देगा। ठीक है, फिर ये किनको देंगे? ये इन दोनों को देंगे। ठीक है, क्योंकि ये इनके इनके जो है इनको बांटा गया है, इस तरह से डिफ्रेंशिएट किया गया है कि ये जो है इनके अंडर काम कर रहे हैं, ये इनके अंडर काम कर रहे हैं, तो इनका जो सुपीरियर है वो ये उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ना कि टॉप मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, अब मिडिल मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट से पूछ, जो टॉप मैनेजमेंट है वो मिडिल मैनेजमेंट से पूछेगा कोई भी अगर उन्होंने काम दिया है तो। ठीक है, ये सो ये जो है आपकी हायरार्की बनती है पोजीशन की, बेस्ड ऑन लीगल अथॉरिटी एंड पावर। जो टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड करा है वैसे ही रूल्स रेगुलेशन चलते रहते हैं, प्रोसीजर चलता रहता है। और डिवीज़न ऑफ लेबर इसलिए किया गया है कि इसका इसकी जो स्किल्स है, इसकी स्किल्स डिफरेंट होगी इससे, और इनकी स्किल्स डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो इनको जो है वर्क दिया गया है वो उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग दिया गया है। सो जो नेक्स्ट वीडियोस होगी उसमें हमारा अभी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और ब्यूरोक्रेसी रहती है, प्रिंसिपल्स रहते हैं, और कुछ बेनिफिट्स और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं हर एक थ्योरी के, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन हम FW टेलर और साइंटिफिक मैनेजमेंट को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू सो मच।